गुड मॉर्निंग बेटा, हम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स करेंगे। कल मैंने आपको सिंपल मोशन की इक्वेशन बेस्ड करवाए थे, क्या जिसे हमने सिंपली क्या लेके चले थे, मोशन से इक्वेशन वी इजगस टू यू प्लस ए टी, एस इजगस टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजगस टू टू ए एस। आज हम करेंगे कुछ कैलकुलस बेस्ड। कैलकुलस बेस्ड में क्या होता है हमारे पास, जिसको हम बोल देते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड प्रॉब्लम्स के लिए कैसे क्या करोगे बेटा, देखो कैलकुलस मेथड में सबसे पहले हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स, तो वेलोसिटी क्या होती है डी एक्स बाई डी टी। अगर आपको एक्स दे रखा और वेलोसिटी पूछे तो निकल जाएगी वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी टी। अब क्या कर दें हम इसका इंटीग्रेशन, तो x क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। फर्स्ट पॉइंट मेरा, अगर x गिवन हो वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी क्या होती है डी एक्स बाई डी टी। अगर वेलोसिटी गिवन हो आपसे x पूछे तो क्या कहेंगे हम डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी टी, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। डी अपॉन डी टी इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, वी डी टी इज द इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टी। सेकेंड पॉइंट मेरा, ये क्वेश्चन से यूज करेंगे बेटा हम, अगर आपको वेलोसिटी गिवन और एक्सेलरेशन पूछे, एक्सेलरेशन क्या होती है डी वी बाई डी टी। अगर एक्सेलरेशन देखो वेलोसिटी पूछे तो डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। क्लियर बेटा, तो इस तरह से इन दोनों मेथड्स का हम यूज़ करेंगे। वेलोसिटी इज डी एक्स बाई डी टी, एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, वी इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। ये हमारे टाइम की लिमिट है और यहाँ पे हमारी टाइम की लिमिट है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन मेथड्स का आपको यूज़ करना है और क्या निकालनी है, प्रॉब्लम सोल्व करनी है। क्या क्या बताया फिर से देख लो, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखे हो वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी क्या होती है डी एक्स वाई डी टी। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे वेलोसिटी गिवन हो तो डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। सिमिलरली ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डी वी इज ए डी टी, सो वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। इन मेथड्स को बोलते हैं कैलकुलस मेथड। हम इनका यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो बेटा कैसे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमें सॉल्यूशन में क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया एक्स इज इक्वल्स टू फोर टी प्लस फाइव टी स्क्वेयर प्लस सिक्स टी क्यूब। क्लियर बेटा, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछा आपसे इनिशियल वेलोसिटी। अभी अभी मैंने आपको बताया था वेलोसिटी वी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डी एक्स वाई डी टी। ये आपका एक्स था विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या कर दें हम डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी टी ऑफ फोर टी प्लस फाइव टी स्क्वेयर प्लस सिक्स टी क्यूब। जब भी बेटा हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे क्या मेथड होता है, डी अपॉन डी टी ऑफ फोर टी, फोर कॉन्स्टेंट बार, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वन, प्लस फाइव कॉन्स्टेंट एज इट इज बार, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वेयर, पावर आ गया आके एक पावर कम हो जाती है टू आ गया या टी के एक पावर कम हुई टी टू टी, प्लस सिक्स एज इट इज टी क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे थ्री आगे एक पावर कम दैट इज टी स्क्वेयर। सो वेलोसिटी इज फोर प्लस टेन टी प्लस एटीन टी स्क्वेयर। क्या निकाल दी हमने, वेलोसिटी निकाल दी हमने वेलोसिटी। अब आपसे क्या पूछता है देखो एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी वो होती बेटा जब टाइम टी क्या रहे जीरो, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज व्हेन टाइम टी इज जीरो। सो वी जब टी जीरो करोगे तो ये जीरो वी इनिशियली कितना आ गया आपका फोर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई फोर मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, सेकेंड पॉइंट,
वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. सेकेंड में क्या पूछा, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. तो हम टी की जगह पे क्या पुट कर दे, 4. वेलोसिटी भी 4 एज इट इज प्लस 10, टी की जगह पे 4 प्लस 18, टी की जगह पे 4 का क्या कर दिया हमने स्क्वेयर. दैट इज टी की जगह पे क्या पुट करना था हमें, 4. कितना है हमारे पास, 4 प्लस 40, 4 स्क्वेयर 16. 4 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, 16. 16 इंटू 4. इन सब को जब आप यहाँ पे करोगे तो आप पुट कर देना बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 18 इंटू 16. इन सब का सम कितना आ जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड. एक्सेलरेशन ए क्या होता है बेटा, डीवी बाई डी टी. ए इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ वी, ये हमारी वी की इक्वेशन, 4 प्लस 10 टी प्लस 18 टी स्क्वेयर. 4 कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0. तो 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 0 प्लस 10 कॉन्स्टेंट बार, टी का विद रेस्पेक्ट टू डी टी 1 प्लस 18 एज इट इज, टी स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2t. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू, क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन की कंडीशन, 36t प्लस 10. क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन, 36t प्लस 10. हमें एक्सेलरेशन कब चाहिए, व्हेन टी इज इक्वल्स टू 5. तो हम टी को पुट करवा दें 5, कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5 प्लस 10. कितना, 36 इंटू 5 प्लस 10, दैट इज कितना है बेटा, 190 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो इस तरह से आपको यूज़ करना है. क्या 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 यूज़ किया मैंने यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी एंड a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और जो भी टाइम गिवन था उसकी कंडीशन रख दी. इन मेथड्स को बोलते हैं कैलकुलस मेथड. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम. द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स इज रिलेटेड बाई टू टाइम बाई दिस इक्वेशन, कि टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन दे दिया. गिवन क्या है हमारा सॉल्यूशन में, गिवन है टाइम t इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3. फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, आपको निकालनी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0. आपको वो एक्स निकालना है जब व्हेन वेलोसिटी क्या हो जाए, 0. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा. सबसे पहले वी निकालो, उसको किसके इक्वल रखो, 0 के इक्वल. 0 के इक्वल रखते वहाँ से क्या आ जाएगा आपके लिए, टी. उस टी को एक्स में पुट करवा दो, क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट. तो सबसे पहले वह यहाँ से हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना रहे हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड. टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, अगर मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, सॉरी बेटा पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं, पहले रूट एक्स को लिया हमने. रूट एक्स इज इक्वल्स टू, रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 3. टी को इधर भेज दिया, अब हमें एक्स निकालना है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट एक्स का स्क्वेयर कितना हो जाएगा बेटा, एक्स, और ये कितना आया, टी माइनस 3 का होल स्क्वेयर. टी माइनस 3 का होल स्क्वेयर टी स्क्वेयर. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर कितना हो गया, 9 प्लस माइनस 2ab, 2 3 6 इंटू में टी आ गया हमारे पास. देखो डिस्प्लेसमेंट आ तो चुकी है हमारी, डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, लेकिन कौन सी डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो वेलोसिटी क्या हो जाए, 0. तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये डिस्प्लेसमेंट टी पे डिपेंड कर रही है. डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टी, यहाँ पे स्टार लगा के लिख रही हूँ बेटा. दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन टी, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0.
हमें वो टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा जब वेलोसिटी क्या हो जाए ज़ीरो और हमें क्या आ जाएगी वो डिस्प्लेसमेंट। एक तरह से हमें क्या निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी वी क्या होती है, वी डी एक्स बाई डी टी, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या आई है टी स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 60। डिफ्रेंशिएट करवाया डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वेयर, पावर आगे 2 आगे एक पावर कम, टी के 2 में से एक पावर गई तो कितना बचा 1, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 6 टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2t माइनस 6। वेलोसिटी वी इज इक्वल्स टू 2t माइनस 6, दिस वेलोसिटी इज 0, वी इज इक्वल्स टू 0, सो 2t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2t इज इक्वल्स टू 6, टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। दिस वेलोसिटी इज 0 एट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, सो वी इज इक्वल्स टू 0 एट टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या थी एक्स की इक्वेशन, टी स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 60, टी की जगह पे 3 स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6 इंटू में टी की जगह फिर से कितना आ गया 3 हमारा, 3 स्क्वेयर 9 प्लस 9 माइनस 18, दैट इज 0। ठीक है, तो जब वेलोसिटी 0 है जिस टाइम पे, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ गई हमारी 0 आ गई। क्लियर हुआ बेटा, आपको वो डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी जब वेलोसिटी 0 हो जाए। तो सबसे पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाल दी जो किस पे डिपेंड करी टी पे, दिस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टी, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट टाइम एट विच वेलोसिटी 0। तो सबसे पहले मैंने वी निकाला 2t माइनस 6, इसको किसी और रख दिया 0 के इक्वल, यहाँ से क्या निकाल लिया टी, तो एट टाइम टी इज गो टू 3 सेकेंड वेलोसिटी क्या है 0। हम इस टी को पुट करवा दें एक्स में, क्या थी एक्स की इक्वेशन टी स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 60, टी के जगह पे 3 पुट किया, डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ गई हमारी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन बिटवीन टी एंड एक्स इज, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन दे दिया, कितना दे दिया टी अल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स। क्लियर बेटा, वे अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, अल्फा और बीटा क्या है कांस्टेंट, शो दैट रिटार्डेशन इज 2α v³। हमें क्या निकालनी, एक तरह से रिटार्डेशन क्या होती है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दें जो कितनी आए -2α v³, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर बेटा, शो दैट रिटार्डेशन दैट इज a = -2α v³। तो आपको एक तरह से एक्सेलरेशन निकालनी है, दे क्या रखा है टाइम, अगर आपको x दे रखा होता सीधा तो पहले हम निकालते v, कितना हो जाता dx by dt, अब हम निकालते a, कितना होता dv by dt निकल जाती, लेकिन यहाँ पे x ना दे के t और x का रिलेशन गिवन है, हम क्या करें, हम डिफ्रेंशिएट करवा दें विद रेस्पेक्ट टू x, t किसका फंक्शन है x का ही तो फंक्शन है, तो विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करवा दें तो dt by dx कितना हो जाएगा 1/v, यहाँ से v आ जाएगा, या फिर बेटा विद रेस्पेक्ट टू t ही डिफ्रेंशिएट करवा लें, विद रेस्पेक्ट टू t क्या करवा लें डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dt upon dt of t इक्वल्स टू d upon dt of α x² प्लस d upon dt of β x, t का विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएशन 1, अल्फा कांस्टेंट बार एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, अब x का विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, अगर विद रेस्पेक्ट टू x होता तो यही हो जाता विद रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ गया हमारे पास dx/dt, ये तो पावर का हुआ पहले फिर फंक्शन का, तो पावर 2 आगे एक पावर कम 2x1, फिर फंक्शन का dx/dt प्लस बीटा कांस्टेंट बार x का विद रेस्पेक्ट टू dt dx/dt।
आगे बेटा इन दोनों में से dx by dt बाहर कॉमन निकाल दो, dx by dt, dx by dt कितना आया हमारे पास 2 alpha x plus beta is equals to 1. So dx by dt क्या होता है, dx by dt actual velocity कितना आ गया 1 upon 2 alpha x plus beta. क्लियर बेटा? और एक्चुअल में dx by dt क्या होता आपका वेलोसिटी, क्या होता आपका वेलोसिटी, तो एक तरह से हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी आ गई 2 अल्फा x प्लस बीटा. क्लियर बेटा? अब हम करेंगे एक्सेलरेशन, तो मैं क्या कहूँ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ऊपर जाके पावर माइनस बन जाएगा ये 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू द पावर माइनस 1. अब हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालनी बेटा हमें a. क्या होती है a? dv by dt. जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं पहले पावर का, पावर आगे माइनस 1 आगे एक पावर कम 2 अल्फा x प्लस बीटा एक पावर कम, माइनस 1 ऑलरेडी था एक कम और हुआ तो माइनस 2. किसका डिफरेंशिएशन करवाया पावर का. अब फंक्शन का d अपॉन dt ऑफ 2 अल्फा x प्लस बीटा कितना है बेटा हमारे पास माइनस 1. 2 अल्फा x प्लस बीटा, 2 अल्फा x प्लस बीटा माइनस 1 पावर v है तो माइनस 2 पावर क्या हो गया हमारे पास v स्क्वायर, माइनस 1 पावर क्या है v तो माइनस 2 पावर क्या हो गया v स्क्वायर इनटू d अपॉन dt ऑफ 2 अल्फा x, 2 अल्फा कांस्टेंट बार कितना आ गया बेटा dx by dt, बीटा क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. अब फिर से dx by dt क्या बन जाएगा वेलोसिटी, तो क्या आया हमारे पास माइनस v स्क्वायर एक v है 2 अल्फा v क्यूब. यही प्रूव करना था आपको, क्या प्रूव करना था आपको a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 अल्फा v क्यूब. दिस इज शोज दैट रिटार्डेशन इज माइनस 2 अल्फा v क्यूब. ऐसे प्रॉब्लम्स को बोलते हैं बेटा हम प्रॉब्लम्स सोल्व बाय कैलकुलस मेथड. एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, देखो बेटा द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ. अगर कोई बोट चल रही थी उसका इंजन ऑन था तो कहता है जैसे इंजन को कट ऑफ किया उस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन ए, ए क्या होती है डी वी बाई डी टी, ए डी वी बाई डी टी हमें गिवन थी माइनस के वी क्यूब. एक्सेलरेशन कितनी दे रखी थी माइनस, ए क्या दे रखी थी माइनस के वी क्यूब और एक्सेलरेशन होती क्या बेटा हमारे पास डी वी बाई डी टी. तो एक तरह से जब इंजन को कट ऑफ किया यानी कि जब टाइम टी क्या लिया हमने जीरो, जैसे इंजन को क्या क्या कट ऑफ किया गिवन है डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के वी क्यूब वेयर के इज कॉन्स्टेंट. ए वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ यानी कि वेन टी इज इक्वल्स टू जीरो वी इज इक्वल्स टू वी नॉट. आगे लिख दूँ बेटा मैं वी नॉट फाइंड, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी. आपको वो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का निकालना जब टाइम कितना हो जाए टी, जब टाइम टी कितना है जीरो वेलोसिटी वी कितनी है वी नॉट, जब टाइम कितना हो जाए टी आपको वो वी कैलकुलेट करनी है. एक तरह से हम इस इक्वेशन से वी निकाल दें जिसकी लिमिट क्या हो जाएंगी टाइम की लिमिट तो जीरो से टी और वी की लिमिट क्या हो जाएंगी वी नॉट से वी, हमें वो वी क्या करना है बेटा कैलकुलेट करना है. क्लियर सभी का? तो देखो एक बार गिवन है डी वी बाई डी टी इज गोज टू माइनस के वी क्यूब, वी को एक तरफ कर दें क्या आया हमारे पास 1 अपॉन वी क्यूब डी वी, डी टी इधर जाके मल्टीप्लाई में माइनस के डी टी कितना आया हमारे पास 1 अपॉन वी क्यूब दैट इज वी माइनस 3 डी वी इज गोज टू माइनस ऑफ के डी टी. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करवा दें हम इंटीग्रेशन, माइनस वी क्यूब डी वी इज इक्वल्स टू के डी टी इंटीग्रेशन. टी की लिमिट क्या है जीरो से टी, सेम टाइम पे वी की लिमिट जब टी कितना है जीरो वी कितना है वी नॉट
जब टी कितना है, टी वो हमें भी क्या करना है, कैलकुलेट कर दे बेटा, हम इंटीग्रेशन कितना है बेटा हमारे पास, वी रेस टू द पावर माइनस थ्री। इंटीग्रेशन में क्या होता है आपका, एक पावर इंक्रीज होकर डेनोमिनेटर बन जाती है, तो वी माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू अपॉन माइनस टू। इंटीग्रेशन में ये होता बेटा, इंटीग्रेशन में अगर x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो ये आ जाता है x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पे पावर कितनी थी n की जगह पे, माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, माइनस थ्री की जगह पे माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू। और v की लिमिट क्या आ गई बेटा हमारे पास, v की लिमिट हमारे पास आ गई फ्रॉम v नॉट टू v इजिक्वल्स टू माइनस के कॉन्स्टेंट बार डी टी का इंटीग्रेशन t और t की लिमिट जीरो से t। क्लियर बेटा? तो क्या आया हमारे पास, माइनस हाफ को हमने बाहर छोड़ दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह पे v, v की जगह पे v रेज टू द पावर माइनस टू, तो वन अपॉन v माइनस लोअर लिमिट माइनस वन अपॉन v नॉट स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट। v की जगह पे क्या रखोगे, v नॉट माइनस टू, कितना हो गया वन अपॉन v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस के t। जीरो रखोगे तो जीरो, हमें तो v निकालना है, टू इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इधर जाके क्या हो जाएगा ऐड, तो क्या कहें हम, वी स्क्वेयर वन अपॉन टू इधर जा वन अपॉन वी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन वी नॉट स्क्वेयर इजिक्वल्स टू माइनस टू के टी, वन अपॉन वी स्क्वेयर इजिक्वल्स टू माइनस टू के टी प्लस वन अपॉन वी नॉट स्क्वेयर। आ गया हमारे पास वन अपॉन वी स्क्वेयर इजिक्वल्स टू वी नॉट स्क्वेयर ले लिया बेटा एलसीएम, सो माइनस टू के टी वी नॉट स्क्वेयर, माइनस टू के टी वी नॉट स्क्वेयर। चाहे माइनस को आप हटा दो, यहाँ पे बाहर माइनस साइन था ना हमारा, देखो एक बार ये बाहर माइनस साइन था, मैंने यहीं से माइनस साइन को माइनस साइन से कैंसिल कर दिया, प्लस वन, सो वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वेयर अपॉन टू के टी वी नॉट स्क्वेयर प्लस वन। स्क्वेयर हटाओगे पूरे पे क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो कैसे किया हमने, हमें गिवन क्या था, डी वी बाई डी टी, हमें वो भी निकालना था जब टी कितना हो जाए टी, तो वी को वन एक साइड किया, टी को एक साइड क्या करवा दिया, इंटीग्रेशन, एक साइड लिमिट किसकी लगा दी, वी की। जब टी जीरो है तो वी कितना है, वी नोट, जब टाइम टी हुआ तो उसको हमने क्या बोल दिया, वी, वी को हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस को बेटा हम बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व बाय कैलकुलस मेथड, यानी जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, सीधा सीधा क्या याद रखना बताया था मैंने आपको इनके लिए, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। अगर आपसे पूछे इफ गिवन है x, गिवन है x और v पूछे तो डी एक्स बाई डी टी, अगर गिवन है v और x पूछे तो x क्या होता है v डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी। अगर आपके लिए गिवन है v और a पूछे तो a क्या होता है dv बाई डी टी, अगर गिवन है a और v पूछे तो कितना होगा v इज इक्वल्स टू a डी टी। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड।